अच्छा, कैसे आ रहे हैं बेसमेंट में सोचने को रहे हैं तो आगे लार बना रहे हैं वो तो इसको बहुत साफ करें लेकिन तो आया हमेशा बारे में पहले से नहीं हो रहा है इतना कहा कि ये बहुत लार बनाना चाहिए हटाना पड़ेगा बहुत अच्छा सर। आज प्रेम मेडिकल कॉलेज के अंदर पौधारोपण हुआ है पर्यावरण दिवस के ऊपर, क्या कुछ कहना है आपका? मैं ये समझता हूँ कि इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होनी थी, डॉक्टर लोगों को इधर उधर नहीं जाना था। अगर हमारे एक धर्म, एक आदमी एक पौधा लगाना अगर वो मानते तो शायद हमें किसी भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ऑक्सीजन भगवान ने फ्री दी है और दरख्त हमको ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं। भगवान ने ऐसे अच्छे चीज़ें हमें दी हुई हैं, लेकिन हमारी बेवकूफ़ी से हम इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, दरख्तों को काटते जा रहे हैं, इमारतें बनाते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि दरख्त ही हमारी जान हैं। मैं पूछना चाहूँगा, जो लोग वृक्षों की कटाई करते हैं, इमारतें बनाते हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? उनको यही कहूँगा, इमारत ज़रूर बनाइए लेकिन दरख्तों को मत काटिए। अगर काटे हैं एक दरख्त तो उसकी जगह 5 दरख्त इमारत के दाएं बाएं ज़रूर लगाइए। जितने दरख्त होंगे उतनी ऑक्सीजन मिलेगी और हमें किसी भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की शायद ज़रूरत ना पड़े। प्रेम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे कैंपस के अंदर खूब दरख्त लगें ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।